और अब ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चार तस्वीरों के जरिए आप समझिए आखिरकार इतना बड़ा कैश आया कहां से। कांग्रेस के नेता हैं आलमगीर आलम, जो कि झारखंड में मंत्री भी हैं, उनके करीबी के यहां पर जब ईडी की टीम रेड करने पहुंची तो नोटों का पहाड़ बरामद हुआ है। 25 करोड़ से ज्यादा का कैश बताया जा रहा है और अभी लगातार मशीनों के जरिए नोटों को गिना जा रहा है। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको बता दें बीजेपी के जो सांसद निशिकांत दुबे, वो ये कह रहे हैं कि 30 करोड़ से ज्यादा का ये कैश है। इस पर जेएमएम खामोश है, इसके अलावा कांग्रेस खामोश है और कांग्रेस के नेता हैं, जबकि आलमगीर आलम जो कि झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया, पूरा विपक्ष चुप है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नोटों का ये पहाड़, इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में कैश आखिर आया तो आया कहां से। फिर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि ईडी का भेजा इस्तेमाल होता है, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम जो कि झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं, उनके करीबी के यहां पर इतना सारा कैश कहां से आया। श्वेता अगली बड़ी खबर बता रही है। तो आपको बताएं, ये कैश तो मिला है, लेकिन ये कैश सिर्फ और सिर्फ पहली बार नहीं मिला है। कैसे साल दर साल ये इसी तरीके के मामले झारखंड से निकलकर सामने आते रहे। देखिए ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं आलमगीर के करीबियों के यहां से ये कैश मिला है। इसी तरीके से आपने देखा था कि कैसे 2023 में भी एक बड़ी रेड हुई थी और उसमें भी कैश बरामद हुआ था। यही सिलसिला 2022 में भी देखने को मिला। और आईएएस पूजा का भी आपको वो पूरा प्रकरण याद होगा, जिनके घर से बड़ी में कैश बरामद किया गया था। और इसीलिए सवाल यह है कि आखिर कौन है वो धन कुबेर जो इसके पीछे है, कहां कहां ये कैश जाना था, कैसे कैसे और किसके पास पहुंचना था, ये अब जानना जरूरी है। अगली खबर के लिए सीधे रुख करेंगे सुजाता का। और अगली खबर कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह से जुड़ी हुई है। देखिए ये आप मशीन देख रहे हैं जो नोट गिनने के लिए लाई गई है। अंदाजा लगाइए किस तरह से छिपा कर रखा गया बड़ी मात्रा में वो कैश, जिसको अब गिनने के लिए ये मशीन मंगाई गई है। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ये जो कैश है किस तरह से अलग अलग जगहों पर क्या ले जाना था, यहां पर इकट्ठा किया गया, आखिर कौन कौन लोग हैं जो इसके पीछे। सुजाता ये बड़ी अब एक तरह से कहीं पड़ताल है। देखिए 25 करोड़ की गिनती अभी तक हो चुकी है जो अंदर से खबर आ रही है, लेकिन ये मात्रा और ज्यादा है, ये रुपए और ज्यादा है, इसीलिए अब मशीन का सहारा लेना पड़ेगा, यानी हमें इंतजार करना होगा कि ये रकम बहुत ज्यादा हो सकती है। धीरज साहू के मामले में भी हमने देखा कई दिनों तक काउंटिंग चलती रही और आखिरकार वो रकम 350 करोड़ तक पहुंच गई थी। अभी 25 करोड़ लगभग गिनती हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये पैसा कहाँ से आया, किसका है, किसने रखा था, कब से रखा था, इन तमाम चीजों की पड़ताल ईडी आगे करेगी। लेकिन फिलहाल जो ताजा तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं, यहां सिर्फ रुपए नहीं है, कैश नहीं है, बल्कि गहने भी हैं, ज्वेलरीज भी हैं जो यहां पर हैं। और अब इसके बारे में जानकारी देनी होगी, जिसके ठिकाने सीएम मिले हैं और जिसके तार जिससे भी जुड़े हुए हैं, उन सबको जवाब देना होगा। आलमगीर, उनके पीएस और जिस सहायक के घर से ये पैसे मिले हैं उसे भी जवाब देना होगा। और फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि नोट बहुत ज्यादा है, मात्रा बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से आप नोटों की गिनती के लिए मशीन यहां पर बुलाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस गाड़ी से नोट गिनने की मशीन जो हमने आपको दिखाई वो अब अंदर पहुंची है, जहां पर नोटों को गिनने का काम आगे बढ़ाया जाएगा उस मशीन के जरिए। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरे बिस्तर पर नोटों की गठियां फैली हुई हैं, अलग अलग थैलियों में, ये पूरे घर में रखी गई थी, उन थैलियों को यहां पर खोला जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद इनको गिनने का काम चल रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, मशीनें मंगाई गई हैं और तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, मशीनें जिनके जरिए लगातार नोटों को गिनने का काम किया जा रहा है। और 25 करोड़ अभी तक बरामद हो चुके हैं, लेकिन ये जो नोटों का ढेर है इसको गिनने का सिलसिला बना हुआ, आंकड़ा और बढ़ सकता है। और अब बात कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह की करते हैं। राधिका खेड़ा, जिन्होंने कल अपना इस्तीफा सौंपा कांग्रेस अध्यक्ष को, अब इस पर सीएम योगी ने जवाब दिया। सीएम योगी कह रहे हैं कि जो राधिका खेड़ा ने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी, उसमें यह साफ तौर पर कहा कि क्योंकि वो राम भक्त हैं, क्योंकि वो राम मंदिर गई और जब से वो राम मंदिर से होकर आई हैं उनको लगातार परेशान किया जा रहा है, बाकी नेताओं की तरफ से उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उन्होंने शिकायत भी की लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। कांग्रेस का जो छद्म रूप है, इस छद्म रूप से देश की जनता जनार्दन अच्छी तरह वाकिफ है। उसे मालूम है कि ये जो भी दिखावा कर रहे हैं ये वास्तविकता पर आधारित नहीं है, ये केवल देश की जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहती हैं
लेकिन इनकी नौटंकी को देश की जनता जान चुकी है और इसीलिए कांग्रेस को रसातल की तरफ धकेल रही है। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने कांग्रेस से इसीलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है और वहाँ की एक राम भक्त तो किसी भी दल की हो सकती है। वह अगर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आई थी, इस आधार पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनका अपमान किया गया और इससे तंग आकर के उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तो ये चीज़ें दिखती हैं कि कांग्रेस के डीएनए में रामद्रोह है। और बढ़ते आगे, फारूक अब्दुल्ला का पाक परस्त बयान एक बार फिर से सामने आया था, जिस पर राजनाथ सिंह के बयान पर बोले आप फारूक अब्दुल्ला, ये समझिए कि कैसे कैसे जो बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, पाक के पास परमाणु बम है ये फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं, यानी एक बार फिर से पाक पसंद देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर क्या चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या इन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है? बार बार पाक परस जो इनके बयान निकल कर के सामने आते हैं वो इनकी मंशा और इनकी विचारधारा को भी बताते हैं, और सुनिए कहा क्या है। तो ये राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार किया है, पीओके के भारत में विलय वाले बयान पर जवाब दिया है, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अनाज भारत का खाते हैं, लेकिन आरोप है कि पेशावरी बिरयानी की खुशबू उनका पीछा नहीं छोड़ रही। पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम, उनकी दीवानगी, उनके लिए हमदर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आलम यह है कि हिंदुस्तान परस्ती के जिक्र में जैसे ही उनके सामने पाकिस्तान का जिक्र होता है और मसला पीओके का उठता है, फारूक अब्दुल्ला तिलमिला उठते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके पर दिए गए बयान पर भी फारूक अब्दुल्ला का एक बार फिर ऐसा ही रुख देखने को मिला। वो पीओके के मुद्दे पर रक्षा मंत्री के दिए बयान पर गुस्से से तमतमा उठे, तमतमाए भी ऐसे कि वो पाकिस्तान की तरफदारी करने लगी। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं, ये भी याद रखे, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखे। पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा। तो मुझे लगता है इन सारी स्थितियां जैसी बन रही है उसमें पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन हम आश्वस्त हैं, निश्चित रूप से पीओके से आवाज उठेगी, मैं कॉन्फिडेंट हूं। कहना चाहता हूं कि बस वो भी पाकिस्तान भी ये सब आतंक उतंकवाद का सहारा लेना बंद करे, हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ हम तो अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान को लेकर यह बेचैनी पहली बार नहीं दिखाई दी, इससे पहले भी फारूक कई दफा पाकिस्तान की वकालत कर चुके हैं। उन पर यह आरोप लगता है कि भारत के जमीन पर पाकिस्तान के नापाक कब्जे को लेकर उनकी जुबान से कभी एक शब्द नहीं निकलते, लेकिन वो पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान का प्रवक्ता बन जाते हैं, वो पाकिस्तान का साइड लेकर उल्टा भारत को ही धमकाते हैं और इस बार भी ऐसा ही दिखा। और ये कहते थे बार बार, ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है, 370 नहीं है, आतंकवाद है या नहीं है इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए, और वो खामोश से बयान देते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं, उनको इससे बाज आना चाहिए, जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों का कश्मीर को लेकर ढुलमुल रवैया और पाकिस्तान के प्रति उनकी हमदर्दी को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर की धारा 370 खत्म हो गई है, घाटी में हालात बदल गए हैं, पीओके में रहने वाले लोगों के दिल में भी भारत के साथ विलय की उम्मीद जगी है, लेकिन शायद वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला को ये बात हजम नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
ओडिशा के बहरामपुर में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, कहा भारत को मजबूत बनाने का चुनाव है, युवा के सपनों को साकार करने का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और बीजेडी ने जनता को लूटा, बीजेडी सरकार योजनाएं लागू नहीं करती। पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और ओडिशा के लोग बीजेपी पर आश्वस्त हैं, आज ओडिशा अमीर है, जनता गरीब है। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी का कटा टिकट, श्रीकला की जगह बीएसपी श्याम सिंह यादव को बनाया गया उम्मीदवार, आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं श्याम सिंह। जौनपुर से टिकट मिलने के बाद बीएसपी प्रत्याशी श्याम सिंह का बयान, कहा ज्योतिष ने कहा था इस बार मैं बनूंगा सांसद। उत्तर प्रदेश के संभल में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आई पुलिस। जवानों की शहादत पर तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी से सवाल पूछा, कहा जो शहीद हुए हैं वो किसके कारण हुए हैं, मोदी जी ने सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम किया है। अमित मालवीय का राहुल गांधी पर तंज, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा राहुल गांधी चुनाव प्रचार के बाद की छुट्टियों का कर रहे इंतजार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता सुधान्या गायन के घर पर हमला और तोड़फोड़ हुई है, अपनी जान बचाकर भागी नेता, टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जमात इस्लामी का मिला सदस्य, पुलिस ने नूर मोहम्मद के घर पर लगाए प्रतिबंधित संगठन के लगे मिले पोस्टर्स, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव पर किया तंज, कहा शिवपाल जी चाहते हैं मोदी जी बने पीएम, जो दिल में होता है वही जुबान पर आता है। हरियाणा के यमुनानगर में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने ट्रक से कूद कर बचाई अपनी जान। यूपी की गोंडा में मीडिया और प्रशासन के बीच खेला गया क्रिकेट मैच, प्रशासन ने बारी बाजी, डीएम ने विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया।